सलमान खान की फिल्म रेस 3 को लेकर कई सारे बात चल रही है। ट्रॉलर्स इसको काफी ज्यादा ट्रॉल कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी फैन क्लब है वो उसकी काफी तारीफें भी कर रहे हैं। अब सलमान खान की इस फिल्म का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है, ये ट्रेलर बना है सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला कम समय में ट्रेलर, यानी कि इस पे जितने कम समय में लाइक आए हैं अब तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में उतने लाइक नहीं आए हैं। चलो ये तो रही पुरानी बात, अब बात करते हैं रेस 3 के क्लाइमैक्स की। अब एक खबर के अनुसार बताया गया है रेमो डिसूजा, सलमान खान ने फिल्म के 3-4 क्लाइमैक्स शूट किए हैं और ये बात काफी कंफ्यूजिंग है। सलमान खान और टिप्स ऑफिशियल और रेमो डिसूजा के अलावा कोई नहीं जानता कि आखिर रेस 3 का क्लाइमैक्स होगा क्या, यानी कि बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह जैसी बड़ी स्टारकास्ट से बनी हुई ये फिल्म, इसका क्लाइमैक्स अभी भी पूरी स्टारकास्ट नहीं जानती। सलमान खान इसलिए जानते हैं क्योंकि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ऐसे में रेमो डिसूजा और सलमान खान को ये एक सीक्रेट पता है कि फिल्म का आखिर जो क्लाइमैक्स है वो क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि रेमो और सलमान ने इसके 3-4 क्लाइमैक्स शूट किए थे। बात सुनने में अजीब जरूर लग रही है, लेकिन यही इसकी स्ट्रेटजी है। फिल्म को पूरी तरीके से बंद रखा गया है ताकि इसका लीक होने पर सवाल ही ना उठे। और दूसरी खास बात यह है कि फिल्म से ये पता लग जाएगा कि रेस 4 आएगी या नहीं, क्लाइमैक्स इसी तरीके से बनाए गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सलमान और रेमो मिलकर क्लाइमैक्स का कौन सा सीन मूवी में डालते हैं और बाकी सीन्स को कब पब्लिश करते हैं, कहाँ पब्लिश करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको क्लाइमैक्स को लेकर और रेस 3 को लेकर कितना एक्साइटमेंट है, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करें। रेस से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन, ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।